अस्सलाम वालेकुम। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो माँ से बदसलूकी है। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो झूठ है। जिस गुनाह से दुनिया में पकड़ होती है वो जुल्म है। जिस गुनाह से रिज़्क तंग हो जाता है वो जीना है। जिस गुनाह पर पर्दा फाश हो जाता है वो नशा है। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है वो कत्ल है। जिस गुनाह से नियामतें छीन जाती है वो तकब्बुर है। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती है वो हराम कमाई है। जिस गुनाह से इबादतें जाया हो जाती है वो बिद्दत है। जिस गुनाह से जन्नत हराम हो जाती है वो शिर्क है। या अल्लाह अज़्ज़वजल, जो गुनाह हमसे जाने या अनजाने में हुआ है उन्हें माफ फरमा। बेशक तू सबसे बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इस मैसेज भेजने को तमाम सागिरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। आमीन। बहुत प्यारा मैसेज है, अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें। अल्लाह ने अपने बंदों पे नियामतें की जिनमें तीन ये है। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोना और चांदी की तरह जखीरा कर लेते और लोग भूखे मर जाते। दूसरा, मौत के बाद मुर्दे के जिस्म में बदबू पैदा की, वरना कोई अपने प्यारों को दफन ना करता। तीसरा, मुसीबत के बाद सब्र और सुकून दिया, वरना जिंदगी कभी खुशगवार ना होती। तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे? सुभान अल्लाह। इन्फॉर्मेशन क्या आप जानते हैं? कुरान पाक को सुनने से कैंसर नहीं होता, बल्कि कैंसर सेल अगर हो तो वो भी मर जाते हैं। लंबे सजदे करने से जहन तेज होता है, सर दर्द और बाल गिरने से बचाता है। तशहुद के दौरान उंगली उठाने से दिल मजबूत होता है। ये मैसेज शैतान फॉरवर्ड करने से रोकेगा, मगर आप ऐसा होने ना दे और सब कॉन्टेक्ट को सेंड कर दे। फॉलो कुरान और सुन्नत। वो कौन सा पानी है जो कयामत के रोज नेकियों के साथ तराजू में रखा जाएगा? जवाब ये है, वजू का पानी। अगर आप